इसका हो जाएगा 4 to the power x log 4, बेस ही आप बेस छोड़ भी सकते हैं, ln 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 to the power x log 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे e छिपा हुआ है। क्लियर है बच्चों? आगे अगला फॉर्मूला आगे बढ़े, आपको ये क्लियर हो गया? आगे अगले फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगला फॉर्मूला हमारा नॉन नंबर का e to the power x। क्या है फॉर्मूला? e to the power x d/dx e to the power x। ठीक, अच्छा e to the power x मतलब वही ही है, कौन सा ही? यूलर नंबर वाला ही। तो अगर बेस का वैल्यू a जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो e के बराबर हो जाए, यूलर नंबर के बराबर हो जाए, तो जहां जहां a है वहां क्या लगा दें? e। तो देखिए जहां a^2 (log e) बोला कहानी हो जाएगा। तो हमारे पास a^2 का फॉर्मूला क्या था? a^2 log a बेस e। अब जहां पे a है वहां क्या रख दीजिए? e। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा e^2 log e बेस e। ध्यान समझिए, e^2 log e बेस e। अब log का गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि जो चीज यहां पे अगर वही चीज बेस में उसका वैल्यू वन होता है। जैसे ये log a बेस है, तो यहां भी a, यहां भी a, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यहां पे क्या है? e, और बेस में भी क्या है? e, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अगेन हम बता रहे हैं आपको log का एक अलग से क्लास लग जाएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, अभी तत्काल कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो log e बेस e का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो यहां से हो गया e^2 (x)(1), यानी कि e^2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, e^2 एक ऐसा चीज जो बदलता नहीं है, कि e^2 का डिसीजन क्या हो जाता है? e^2। क्या बात क्लियर है? e^2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? e^2 क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि दोनों चीज सेम हो गया, और दोनों सेम होने पे वैल्यू कितना हो जाता है लॉग का? 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नॉर्मल नंबर फॉर्मूला e^2 का डिफरेंस है e^2। आगे बढ़ते ना, ठीक है, आगे बढ़ते ना। ये दो फॉर्मूला हमने सीखा, एक e^2 था और एक e^2 था। अगला फॉर्मूला हमारा है, कितना नंबर फॉर्मूला होगा यार? 10 नंबर आई थिंक होना चाहिए, देख लीजिए एक बार आप। d/dx log x, अगेन यहां कुछ नहीं तो क्या छिपा है? e छिपा है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों? 1/x। क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन यार? 1/x, ये भी ध्यान रखिएगा जैसे, ठीक है। और लास्ट हमारा फॉर्मूला है d/dx c का। तो c मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब अचर। अचर क्या होता है? जो बदलता नहीं है। तो c एक ऐसा चीज है जो कॉन्स्टेंट है, अचर है, जो बदल नहीं रहा है। और डिफरेंशिएशन किसके बारे में बतलाता है? बदलाव के बारे में। तो ये बोल रहा है बदलिए, डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है? बदलिए, और अचर बोल रहा है कि हम नहीं बदलेंगे। तो अगर कुछ नहीं बदला तो कितना बदला? 0। इसलिए कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो कॉन्स्टेंट क्या बोलता है? कि हम बदलेंगे नहीं, अचर है। और डिफरेंशिएशन किसके बारे में बताता है? बदलाव के बारे में। तो अगर कुछ नहीं, ये बदलने वाला नहीं है और ये बदलना चाह रहा है, तो अगर कुछ नहीं बदलने वाला तो कितना बदलेगा? 0। इसलिए कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन 0। क्या बात क्लियर है? तो 1/ ये 11 जो बेसिक फॉर्मूले है, इसी फॉर्मूले से आपका पूरा का पूरा फिजिक्स निकल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फिजिक्स जो है निकल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, निश्चित रहिए। सर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए x का डिफरेंशिएशन जो है वो आपके बेसिक फिजिक्स का नहीं पार्ट है, इसके लिए लॉग लेना पड़ता है। ये 12th के मैथ के अंदर का टॉपिक है x^2 का डिफरेंशिएशन। तो जिनका 12th मैथ है वहां पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिजिक्स में इस लेवल का डिफरेंशिएशन आपको आने वाला नहीं है। देखिए ज्ञान जो है समुद्र की तरह है, जितना पढ़िए उतना ही कम है, बट हम लोग को बहुत जगह पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, कि कितना पढ़े कि अपना काम हो जाए। हम अगर रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो हम उसी में डूब जाएंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, अपने को इतना पढ़ना है कि अपने एग्जाम निकल जाए। कॉम्पिटिशन NEET JEE जो भी आपको NDA एयरफोर्स जिस भी एग्जाम में करियर बनाना चाह रहे हो आप, उसका रिक्वायरमेंट को समझिए और उसके लिए पढ़िए। जैसे अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किसके लिए पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में कौन सा? बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के लिए जितना डिफरेंशिएशन चाहिए बस उतना पे ध्यान देना, डिफरेंशिएशन में रिसर्च नहीं करना। कहाँ करेंगे रिसर्च सर? फिर तो रिसर्च करेंगे जा करके जब हम लोग मैथ के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, कहाँ पे? कैलकुलस के अंदर। वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंशिएशन करना है, बहुत अलग अलग फंक्शन पढ़ना है, जो कि हम आपको यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे बस इतना करवा रहे हैं जिससे आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं नहीं अटकिए, आप आसानी से फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लगा पाइए। क्लियर है बात? करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया सिंगल फॉर्मूला, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिखिए आप लोग, अवकलन का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन।
अवकलन का बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का बीजगणित। ठीक है, अब अलजेब्रा के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे कि यार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आपने फट से बोला कि सर अच्छा एक्स स्क्वायर, बच्चा वाला बात पूछ रहे हैं सर, क्या करेंगे सर पावर को गुणा करेंगे, पावर में घटा देंगे, फट से बोला 2x। लेकिन अब अलजेब्रा ऑपरेट होगा, अलजेब्रा ऑपरेट होने का मतलब जोड़ घटाओ गुना और भाग, बेसिक चीज है ना, जोड़ घटाओ गुना और भाग, ये ऑपरेट होगा तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x), एक हमारे पास फंक्शन क्या है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). फंक्शन अलग अलग रूल, एक फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन क्या है g(x), और दोनों अगर आपस में जुड़ रहा है, दोनों अगर आपस में क्या हो रहा है जुड़ रहा है, और अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, हमें अगर क्या करना पड़ जाए उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या फंडा होता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, तो f(x) का डिफरेंशिएशन अलग हुआ, g(x) का डिफरेंशिएशन अलग हुआ, और अगर बीच में क्या है लगा है प्लस, तो यहां भी क्या लग जाएगा प्लस। ठीक है, इसको कहते हैं एडिशन रूल, क्या बोलते हैं इसको एडिशन रूल। ठीक है, जोड़ का नियम, क्या बोलेंगे जोड़ का नियम, यानी कि एडिशन रूल। तो अगर यहाँ प्लस है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ पे गलती से माइनस हो गया, गलती से मतलब क्या, अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो दूसरा नाम क्या है डिफरेंस रूल। तो दोनों हम साथ में आपके लिए लिख दिए, डिफरेंस रूल मतलब अंतर का नियम, घटाव का नियम। तो एक हो गया जोड़, जिनको नहीं पता है एडिशन कहेंगे लिख लीजिएगा जोड़, और डिफरेंस मतलब अंतर, रूल मतलब क्या होता है नियम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो फंक्शन है, एक है f(x) और दूसरा क्या है g(x), दोनों आपस में जुड़ रहा है, अथवा क्या हो रहा है घट रहा है, जुड़ रहा है अथवा क्या हो रहा है घट रहा, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन अलग होगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन अलग होगा, और अगर जोड़ है तो बीच में क्या लगेगा प्लस, और घटा है तो क्या लगेगा माइनस। एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को, ये सर एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, अगर आपको दे दिया गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और हमें निकालना है dy by dx, क्या निकालना हमें dy by dx, तो d by dx क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो आप क्या करेंगे दोनों को अलग कर दीजिए, तो d by dx किसका एक्स स्क्वायर का, बीच में क्या है सर प्लस, तो यहां भी क्या लग जाएगा प्लस, फिर d by dx किसका साइन एक्स का। अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई करते हैं पावर में घटा देते हैं, पावर कितना था सर दो था, दो मल्टीप्लाई किए दो में घटा देते, क्या हो गया एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया 2x प्लस कॉस एक्स। क्या बच्चों क्लियर है आपको, क्लियर है तो लिखिए, ये दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं, आप बना के दिखाइए इसको, वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स माइनस लेट अस से ई टू दी पावर एक्स, पहले इसको लिखिए और फिर इसको बनाइए। ठीक है, आंसर आ गया यार आप लोगों का, तो dy by dx हमें निकालना है, देखते क्या लिखेंगे d by dx किसका y का वैल्यू जो लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, इसको अलग अलग कर लीजिए d by dx, एक्स क्यूब को अलग किया हमने, बीच में क्या था प्लस, तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, फिर d by dx किसका cos x का लिख दिए, अब की बार क्या है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस, तो प्लस है तो क्या लगाना है प्लस, और माइनस है तो क्या लगाना है माइनस, माइनस d by dx किसका e टू दी पावर x का, तो x क्यूब का डिफरेंस क्या हो जाएगा जो पावर में है, क्या है पावर में तीन, तो पावर को गुना करेंगे और पावर में घटा देंगे, तीन में घटा दिए क्या हो गया दो प्लस, कॉस एक्स का क्या होता है अभी हमने याद किया फॉर्मूला साइन एक्स माइनस साइन एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लग जाएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है क्या लग जाएगा माइनस, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस का माइनस ई टू दी पावर एक्स, क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ हो गया साइन एक्स और ये हो गया माइनस ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, हाँ इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग इन तक जाने की जरूरत नहीं है, बस ई टू दी पावर एक्स आप ई टू दी पावर एक्स रखिए, उतना डिटेल में बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा ये दोनों रूल हो गया तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे ना, एक और एग्जांपल कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, एक और एग्जांपल करते फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको कह दिया गया वाई बराबर, क्या कह दिया गया, एक्स का पावर 9 प्लस टेन एक्स माइनस लेट अस से ए टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स। डरना नहीं है, देखते ना जो हमें सीखा उसके ऊपर भरोसा रखे और निकाल लीजिए। पहले मान लिया निकालना डीवाई बाई डी एक्स, बताइए आंसर कितना होगा पहले, चलिए कमेंट करिए आप लोग। और इसके 10 मिनट के बाद हम लोग चेन रूल स्टार्ट करने वाले हैं। अधिकतर बच्चों को चेन रूल में कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चे चेन रूल में कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे आज। ठीक है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात करें तो यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 9 प्लस टेन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स, ये कहानी हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको बटवारा कर देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका एक्स टू दी पावर 9 का प्लस डी बाई डी एक्स किसका टेन एक्स का। अब की बार यहाँ क्या है, ये एक्स लिखा है, यहाँ प्लस क्या लग गया प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, फिर डी बाई डी एक्स इसका ए टू दी पावर एक्स का, फिर क्या लगा प्लस डी बाई डी एक्स इसका यार लॉग एक्स का, अगेन अब की बार क्या है प्लस, फिर से लगा दीजिए डी बाई डी एक्स इसका एक्स का। ठीक है, तो एक्स टू दी पावर 9 का कहानी क्या है कि पावर को मल्टीप्लाई करते पावर में घटा देते, पावर कितना है 9, 9 को मल्टीप्लाई किया और 9 में घटा देंगे क्या हो जाएगा 8, ये फॉर्मूला हमने कर चुका है, कर लिया है। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद होगा आपको टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का क्या लग गया माइनस ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, और एक्स का भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला 1। क्या बात क्लियर बच्चों का, कितनों का सही हो गया। चलिए, तो दो रूल हमने सीखा, जोड़ का नियम, घटाव का नियम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, अर्थात अगर प्लस क्या लगाएंगे प्लस और माइनस क्या लगाएंगे माइनस। आगे बढ़ते हैं ना, ये पहला हमने कंप्लीट कर लिया अलजेब्रा का पहला पार्ट। दूसरा, दूसरा दूसरा रूल में आगे बढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लॉ अर्थात अचर गुणन का नियम, अचर गुणन का नियम, स्केलर मल्टीप्लीकेशन लॉ, अचर गुणन का नियम। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हमसे किसी ने कहा यार बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, तो आपने फट से बोला, आपसे किसी ने पूछा तो आपने फट से क्या बोला 2x हो गया, कि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में घटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि अच्छा ये बताइए 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन था और 3 क्या था कॉन्स्टेंट, और अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो इसी के बारे में ये रूल है। ठीक है, डी बाई डी एक्स इसका 3x स्क्वायर का, तो जैसे मान ली एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, और उसमें कोई कॉन्स्टेंट k गुना है, k क्या है अचर है, और अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है किसका अचर का डी बाई डी एक्स, तो देखिए के तो कांस्टेंट है अचर जो बदलता नहीं है, और डिफरेंशिएशन किसके बारे में बदलाता है बदलाव के बारे में, तो कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, के कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। क्या बात क्लियर आपको कि कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, क्यों चला जाएगा बाहर, कि कांस्टेंट बदलता नहीं है और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा बाहर, तो 3 चला गया बाहर, और कॉन्स्टेंट किसका और डिफरेंशियल किसका हो गया एक्स स्क्वायर का, तो 3 का 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा यार एक्स का डिफरेंशियल जाएगा 2x, क्या आपको दिख रहा है, तो 3 इंटू 2x क्या हो गया 6x। क्या बात क्लियर है। दूसरा देखिए डी बाई डी एक्स 5x टू दी पावर 4, डी बाई डी एक्स 5x टू दी पावर 4, तो 5 क्या फिर से कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, और डिफरेंशियल किसका एक्स टू दी पावर 4 का, फिर से वही फंडा, क्या दिख रहा है आपको 4 है एक्स टू दी पावर 4 का 4x क्यूब दिखा आपको, कि पावर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर का 4 आ गया, 4 आ गया, और पावर में घटा देंगे तो x का 4 में से 1 घटा तो क्या हो गया 3, तो 5 गुना 4 क्या हो गया 20 गुना एक्स क्यूब। क्या बात क्लियर है सभी को, समझ में आया क्या। हाँ जी बच्चों क्लियर है आपको, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसमें हम दोनों को मिक्स कर देंगे। ऊपर देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, आपके लिख लिया फॉर्मूला आपने, नोट कर लीजिए इसका बना के मेरे को दिखाइए। थर्ड नंबर डी बाई डी एक्स, चलिए वाई बराबर आपको दे दिया, क्या दे दिया 6x स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स प्लस लेट अस से
फोर नहीं थ्री लॉग एक्स। तो देखिए इसमें जोड़ का भी नियम लग रहेगा, घटाव का नियम भी लगेगा और आपका अचर गुणन का नियम भी लगेगा ना। इसका आंसर बताइए। ठीक है तो यदि इसको बनाना है तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका, इस पूरे सिस्टम का वाई का वैल्यू डालेंगे कितना है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स। ठीक है तो पहले हमने क्या सीखा था, जोड़ और घटाव के नियम की सबको अलग अलग करेंगे, तो जैसे सबको अलग अलग करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका, सिक्स एक्स स्क्वायर का, बीच में क्या था माइनस, तो क्या लग जाएगा माइनस, फिर डी बाई डी एक्स किसका, फोर साइन एक्स का, फिर बीच में क्या था प्लस, तो क्या लग जाएगा प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका, थ्री लॉग एक्स का। ठीक है थ्री लॉग एक्स का। अच्छा अभी हमने सीखा कि कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाता है, बाहर, तो छः कहाँ चला जाएगा बाहर, तो जैसे ही छः बाहर चला जाएगा तो डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, बीच में क्या लग गया माइनस, फिर आपके पास कॉन्स्टेंट क्या था फोर, कहाँ चला गया बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, सर साइन एक्स का, वेरी गुड यार, फिर बीच में क्या लगा प्लस, अब की बार कॉन्स्टेंट क्या था थ्री, कहाँ चला गया बाहर, डी बाई डी एक्स इसका लॉग एक्स का। ठीक है अच्छा तो सिक्स का सिक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया टू एक्स, पावर को गुना की पावर में घटा दिया, बीच में क्या लग गया माइनस, फोर का फोर साइन एक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या कॉस एक्स, तो फोर कॉस एक्स प्लस थ्री का थ्री और लॉग एक्स का भी हमने सीखा वन बाय एक्स, तो हमारा फाइनल आंसर है ट्वेल्व एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस थ्री बाय एक्स। क्या बात क्लियर है बच्चों, लिखिए एक बार जिनका नहीं आया, जैसे मान लिया एक बार फंक्शन ने लिया डी वाई बराबर लेट अस से फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री टैन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, चाहे माइनस कर देते प्लस माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो करना क्या है इस पे समय कि अगर प्लस माइनस दिखे तो सबको अलग अलग कर दीजिए, और फिर हमने ये सीखा कि कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाता है बाहर, तो फिर बाहर भी कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डी बाई डी एक्स, वाई का मान कितना है सर, वाई का मान है फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री टेन एक्स माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो प्लस और माइनस करने क्या कहा था कि अलग अलग करिए सबको, तो अलग अलग कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स किसका सर, फोर एक्स क्यूब का, फिर बीच में क्या लगेगा यार प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका, तो थ्री टेन एक्स का, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था प्लस, तो प्लस प्लस रहा तो प्लस लगेगा और माइनस रहा तो क्या लगेगा माइनस, फिर डी बाई डी एक्स इसका टू इंटू ई टू दी पावर एक्स का, टू इंटू ई टू दी पावर एक्स का। ठीक तो फोर एक्स क्यूब का मैं फोर क्या था कॉन्स्टेंट, हमने भी क्या सीखा कि कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, तो फोर चला गया बाहर, डी बाई डी एक्स इसका तो सर एक्स क्यूब का क्या था यहाँ पे प्लस, तो फिर से क्या लग गया प्लस, अब की बार कॉन्स्टेंट क्या है थ्री, कहाँ चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स इसका तो सर टेन एक्स का, आपकी बार क्या था यहाँ पे माइनस, तो क्या लग गया माइनस, कॉन्स्टेंट क्या है टू, कहाँ चला जाएगा सर बाहर, कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाता है बाहर किसका, ई टू दी पावर एक्स का। ठीक है तो फोर का फोर यहाँ पे आ गया, अच्छा एक्स क्यूब क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री एक्स स्क्वायर का थ्री और चार गुना तीन बारह दिखा आपको, क्या आपको दिख रहा है देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये तीन और बाहर में क्या था चार, तो चार दिया क्या हो गया बारह दिख गया होगा आपको, तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का थ्री टेन एक्स क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स। क्या इस बार बात क्लियर है, बढ़ा जाएगा यार, कोई डाउट किन्हीं को अगले पार्ट में मूव करें, अगला अलजेब्रा वाला पार्ट में, हमने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया और अचर गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को क्लियर हो गया, अगला लिखिएगा प्रोडक्ट रूल, गुणन का नियम, गुणा का नियम, अगला लिखिए आप लोग, अगला प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं अलजेब्रा, अगला अलजेब्रा के पार्ट लिखिए थर्ड नंबर, प्रोडक्ट रूल गुना का नियम, प्रोडक्ट रूल यानी कि गुना का नियम,
प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणा का नियम। तीसरा अलजेब्रा प्रोडक्ट रूल गुणा का नियम। हाँ जी, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, दो अलग अलग फंक्शन था, कौन कौन एग्जांपल के तौर पे समझिए, अभी था एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कि दो फंक्शन या तो जुड़ रहा था, एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात क्वाड्रेटिक और साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दो अलग अलग फंक्शन जुड़ रहा था या फिर क्या हो रहा था घट रहा था। बात करके अगर दोनों गुना में हो यानी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को कैसे निकालेंगे, हमने सिंगल सिंगल निकालना सीखा, फिर जोड़ निकालना सीखा एडिशन को, फिर घटाव निकालना सीखा सब्ट्रैक्शन को, अब हम किसकी बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, गुना की, कि अगर दो फंक्शन आपस में गुना हो रहा है तो कैसे काम करेंगे। तो मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक दूसरा फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स, और दोनों आपस में गुना में, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स और दोनों आपस में क्या है गुना में है यानी कि डी बाय डी एक्स। तो फंडा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कॉपी को शांत छोड़ दीजिए, कलम को भी शांत छोड़ दीजिए, पेन को भी शांत छोड़ दीजिए, और ध्यान से सुनिए कि पहले वाले को मानते हैं कॉन्स्टेंट, पहले वाले क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा कॉन्स्टेंट, हमने क्या जाना था कि कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाता है बाहर, तो पहला वाला कहाँ चला जाएगा बाहर, एफ ऑफ एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका दूसरे वाले का, तो डी बाय डी एक्स किसका दूसरा वाला कौन सा है जी ऑफ एक्स। तो क्या बोले पहले वाले को क्या मानना है कॉन्स्टेंट, पहला वाला क्या था एफ ऑफ एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका दूसरे वाले का यानी कि जी ऑफ एक्स, फिर बीच में क्या लगेगा प्लस, गुणा में क्या लगता है प्लस और भाग में क्या लगता है माइनस, अब की बार कॉन्स्टेंट किसको मानना है दूसरे वाले के, तो दूसरा वाला क्या था जी ऑफ एक्स, उसको कॉन्स्टेंट मान लिए कहां चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका पहले वाले का। तो फंडा क्या है, सो बहुत सिंपल फंडा यार, फंडा यह है कि पहले वाले को कॉन्स्टेंट मानना है कहां चला जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका दूसरे वाले को, फिर क्या करना है दूसरे वाले को कॉन्स्टेंट मानना है तो डिफरेंस किसका होगा पहले वाले का, पहले को कॉन्स्टेंट माने तो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कॉन्स्टेंट माने पहले का डिफरेंशिएशन। ये रूल है, रूल कहाँ से आया नहीं आया, अगेन प्रूफ की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे, प्रूफ की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग बस समझने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अपने को, प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे आने वाले क्लासों में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फंक्शन अगर गुना हो रहा है तो पहले वाले क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का, बीच में क्या लगा प्लस, अब की बार कॉन्स्टेंट मानेंगे दूसरे वाले को तो डिफरेंशिएशन किसका पहले वाले का। जैसे जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर दूसरा क्या है साइन एक्स, तो हमने क्या सीखा पहले वाला क्या माना कॉन्स्टेंट, तो पहला वाला क्या है एक्स स्क्वायर, इसको हमने मान लिया कॉन्स्टेंट, कहाँ चला गया बाहर, एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका दूसरे वाले का, दूसरा वाला क्या है साइन एक्स, तो हो गया साइन एक्स, बीच में क्या लगना है प्लस, अब की बार कॉन्स्टेंट किसको मान रहे हैं दूसरे वाले को यानी किसको साइन एक्स को, कहाँ चला गया बाहर, साइन एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका पहले वाले का, पहला वाला क्या है एक्स स्क्वायर, पहला वाला क्या है एक्स स्क्वायर, तो पहले वाले को कॉन्स्टेंट मानेंगे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में लगेगा प्लस, फिर दूसरे वाले को कॉन्स्टेंट मानेंगे फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स हो गया इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा ये दोनों गुना नहीं होगा ना, एक्स और एक्स स्क्वायर गुना होगा एक्सक्यूब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक है द्विघात और एक है ट्रिग्नोमेट्री, दोनों का प्रजाति अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा और साइन एक्स का साइन ही रहेगा। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स यहां भी और एक्स यहां भी, दोनों जगह एक्स है तो अपन एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया एक्स कॉस एक्स, बीच में प्लस का क्या लग गया प्लस, और टू आगे आ जाएगा तो टू साइन एक्स। क्या बात क्लियर है आप लोगों को यार, एक क्वेश्चन देते हैं ना आप लोग बना के दिखाइए क्या होगा बताइएगा, किन्हीं को तकलीफ है तो बताइए, इसका बना के दिखाइए सभी को बना के दिखाइए, डी बाय डी एक्स किसका, तो सर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स, बताइए क्या आंसर आएगा, डी बाय डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स का। अभी इस पे अपने को और क्वेश्चन करना है, टेंशन नहीं लेना, अपने को कोई और क्वेश्चन करना है अपने को क्लियर हो जाएगा, चिंता वाली बिल्कुल बात नहीं है, चिंता वाली कहीं कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहिए, अभी इतना क्वेश्चन करेंगे कि सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, दो चार क्वेश्चन करेंगे अपने को क्लियर हो जाएगा, मिटा रहे इसको भाई, ध्यान रखना क्या है कि पहले को कॉन्स्टेंट मानना है दूसरा का डिफरेंशिएशन,
फिर दूसरे का कॉन्स्टेंट मानना है, पहले का डिफरेंस है, इतना ही फंडा है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, पहला किसको मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर को, तो पहला क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया, कहां चला गया सर, बाहर, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन किसका, डी बाय डी एक्स का, ई टू द पावर एक्स का। पहला को कांस्टेंट माना, कांस्टेंट कहां चला जाता है, बाहर, पहला बार चला गया बाहर। डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे वाले का, ई टू द पावर एक्स का। बीच में क्या लग गया, अब की बार प्लस, अब की बार कांस्टेंट किसको मानेंगे, दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्या है सर, ई टू द पावर एक्स, कहां चला गया सर, बाहर। डिफरेंशिएशन किसका, पहले वाले का, कितना, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स, क्योंकि ए टू दी पावर एक्स डिफरेंस वही होता, कुछ बदलता नहीं है। प्लस ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स, और एक्स थोड़ा क्या होता है, टू एक्स, पावर को गुना करते हैं, पावर घटा देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, तो क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो पीस था, एक बाहर चला गया तो एक बच गया, x इंटू ई टू दी पावर x प्लस, अच्छा सिर्फ x को और भी कॉमन ले सकते, देखिए ई टू दी पावर x यहाँ भी है और ई टू दी पावर x यहाँ भी है, तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया, ई टू दी पावर x, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो वो भी कॉमन आ गया। तो x इंटू ई टू दी पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x कितना पीस था सर, दो पीस, एक बाहर जा चुका है, ई टू दी पावर x बाहर जा चुका है, कितना पीस बचा सर, एक पीस, तो यहाँ x लिख दिया, बीच में क्या लग गया, प्लस, और ई टू दी पावर x बाहर जा चुका है, x बाहर जा चुका है, तो क्या बच गया, टू। तो x इंटू ई टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस टू, ये भी हमारा आंसर है। क्या बात क्लियर है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि क्लियर हो जाए ना, और एक दो चार क्वेश्चन करते हैं। आप मेरे को फटाफट फटाफट बना के दिखाइएगा, ठीक है। d by dx x square tan x d by dx x log x x into log x d by dx e to the power x into let us say साइन एक्स, ये तीनों बनाइए, ये तीनों के साथ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको एक बार। तो मान लीजिए इसको करना है, तो पहले वाले कांस्टेंट मानेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट मान लिया, कहां चला गया बाहर, अब की बार डी बाय डी एक्स का टेन एक्स का, डी बाय डी एक्स का टेन एक्स का, पहले वो कांस्टेंट माने, दूसरा का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या लग गया, प्लस, बीच में क्या लग गया, प्लस, अब की बार क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट मानेंगे, कहां चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का। क्या बात क्लियर है, पहले को कांस्टेंट माने, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या लगा, प्लस, अब की बार दूसरे को कांस्टेंट माने, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर टेन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, sec स्क्वायर x, बीच में क्या लग गया, प्लस, tan x का tan x, और x स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो x कॉमन भी ले सकते हैं, x अगर यहां से और यहां से कॉमन ले ले तो x बाहर चला जाएगा, यहां से हो गया x sec स्क्वायर x प्लस 2 गुना tan x। क्या बात क्लियर है, अगला देखिए ये वाला, इसमें पहले को कांस्टेंट मानेंगे तो x को कांस्टेंट मान लिया, कहां चला गया बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, लॉग एक्स का, तो पहले को कांस्टेंट माना, दूसरा का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, बीच में क्या लग गया, प्लस, अब की बार कांस्टेंट किसको मानेंगे, लॉग एक्स को, अच्छा कुछ नहीं लिखा है लॉग के नहीं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे बेस में ही है, ठीक है, डी बाई डी एक्स का एक्स का, तो एक्स का एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है, वन बाय एक्स, हमने अभी पढ़ रखा है, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स, और एक्स का क्या निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, वन, ये एक्स और एक्स कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, वन प्लस लॉग एक्स, क्या आ गया, वन प्लस लॉग एक्स। इसमें आ जाइए, e टू दी पावर एक्स को पहले वो कांस्टेंट मानेंगे, तो e टू दी पावर एक्स को कांस्टेंट मान लिए, कहाँ चला गया, बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का, यहाँ क्या आ गया, साइन एक्स, बीच में क्या लगा, प्लस, अब की बार कांस्टेंट किसको मान लिए, साइन एक्स को, डिफरेंशिएशन किसका,
ई टू दी पावर एक्स का लिख दिए सर, ई टू दी पावर एक्स का, ई टू दी पावर एक्स हो गया, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस हमें पता कि वही हो जाता है ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स और यहाँ भी क्या ई टू दी पावर एक्स, हमने ई टू दी पावर एक्स का क्या किया कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या बात क्लियर है बच्चों, अब क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं ना लास्ट नियम के अलजेब्रा के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर अगर लिखिएगा लास्ट डिवीजन रूल यानी कि भाग का नियम, डिवीजन रूल यानी कि भाग का नियम। यह हमारा लास्ट रूल है अलजेब्रा के अंदर, लास्ट हमारा है डिवीजन रूल, डिवीजन रूल यानी कि भाग का नियम। डिवीजन रूल क्या हो गया भाग का नियम, अभी तक क्या हो रहा था फंक्शन गुणा हो रहा था, अब क्या बोल रहे भाग, पहले हमने जोड़ना सीखा फिर हमने घटाना सीखा फिर अचर गुणन सीखा कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कैसे निकालेंगे, फिर हमने सीखा कि मल्टीप्लाई रहता है गुणा रहता है तो कैसे निकालेंगे, अब बात करके अगर दो फंक्शन आपस में भाग में है, जैसे अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं साइन एक्स, ये दोनों देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स, तो अगर दोनों भाग में और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर कैसे करेंगे, ये हमारा कहानी कि जोड़ में था तो कैसे कि हमने ये सीख लिया, घटाव में था तो कैसे करेंगे वो भी सीख लिया, अचर गुणन यानी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है तो कैसे करेंगे वो भी सीख लिया, गुणा में भी सीख लिया, अब बात करें भाग का। तो मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स और दोनों भाग में, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स और दोनों क्या है भाग में डी बाई डी एक्स, ठीक है एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स में एफ ऑफ एक्स दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना, तो फंडा क्या है कि नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे में क्या था जी ऑफ एक्स तो नीचे वाला क्या करना स्क्वायर, तो नीचे में था जी ऑफ एक्स कर दिया स्क्वायर, ठीक है नीचे वाला क्या कर दिया स्क्वायर, फिर नीचे वाले को मानते हैं कॉन्स्टेंट, नीचे वाला क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, तो जी ऑफ एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफ्रेंशिएशन किसका तो ऊपर वाले का, ऊपर में क्या था एफ ऑफ एक्स तो डिफ्रेंशिएशन हो गया ऊपर वाले का, डिफरेंशिएशन किसका हो गया ऊपर वाले का, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, अब की बार कॉन्स्टेंट किसको मानेंगे ऊपर वाले को, अब की बार कॉन्स्टेंट किसको मानेंगे ऊपर वाले को, ऊपर वाले क्या था एफ ऑफ एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा नीचे वाले का, नीचे में क्या था जी ऑफ एक्स, ठीक है फिर सुनिए क्या फंडा है कि नीचे वाले का क्या करते हैं स्क्वायर, नीचे में क्या था जी ऑफ एक्स तो नीचे वाले का हमने कर दिया स्क्वायर, फिर नीचे वाले क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका ऊपर वाले का, बीच में क्या लग गया माइनस, फिर क्या करेंगे ऊपर वाले कॉन्स्टेंट मानेंगे डिफरेंशिएशन किसका नीचे वाले का, ये होता है रूल। एग्जाम्पल तो मुझे ज्यादा अच्छे क्लियर हो, जैसे हमें करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स, क्या करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स, तो अगर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स करेंगे तो नीचे वाला क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे वाला क्या करेंगे स्क्वायर, तो नीचे में क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, फिर क्या करते हैं नीचे वाला कॉन्स्टेंट मानते हैं तो कॉन्स्टेंट चला जाता है बाहर, तो साइन एक्स कहाँ चला गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका डी बाई डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का, यहाँ लिख दिया डी बाई डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का, बीच में क्या लग गया माइनस, आपकी बार कॉन्स्टेंट किसको मानना है एक्स स्क्वायर को, कहाँ चला गया बाहर, डिफरेंशिएशन किसका नीचे वाले का, कितना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना अपने को, तो यहां से लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, हमने ये सारा पढ़ रखा है अभी थोड़ी देर पहले, तो यहां से अगर ध्यान दीजिए आप तो एक्स यहां भी है और एक्स यहां भी है, दोनों जगह पे एक्स है, तो एक्स क्या कर सकते कॉमन ले सकते, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, यहां से हो गया टू साइन एक्स माइनस का माइनस, और ये हो गया एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये एक्स लिखा है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। क्या बात क्लियर है आपको, लिखिए फिर हम लोग और भी क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं डी बाय डी एक्स e टू दी पावर x डिवाइड बाय x क्यूब, इसका बताइए रिजल्ट क्या आएगा,
डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स टू। फंडा क्या है? बहुत सिंपल फंडा है कि जो नीचे में है, नीचे में क्या है एक्स क्यूब, उसका करना स्क्वायर, नीचे वाले क्या करना है स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का करने वाले हैं हम लोग स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर दिए। फिर नीचे वाले क्या मानना है कॉन्स्टेंट, तो एक्स क्यूब को मान लिए, कॉन्स्टेंट कहाँ चला गया बाहर, डी बाई डी एक्स किसका ई टू दी पावर एक्स का, डी बाई डी एक्स किसका ई टू दी पावर एक्स का, बीच में क्या लग जाएगा माइनस, आपके बार कॉन्स्टेंट किसको मानेंगे ई टू दी पावर एक्स को, कहाँ चला जाएगा बाहर, और डी बाई डी एक्स किसका एक्स क्यूब का, ठीक। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, वही हो जाता है ई टू दी पावर एक्स, बीच में क्या लग गया माइनस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, और एक्स क्यूब क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा पावर का पावर क्या होता है गुना हो जाता है, पावर का पावर क्या होता है गुना, तो तीन को दो से गुना सिक्स हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर क्या गया सिक्स, यहाँ पे एक्स कितना पीस है तीन पीस, यहाँ पे कितना पीस है दो पीस, तो दो पीस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी, फिर से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तीन पीस एक्स था दो पीस जा चुका है, तो कितना पीस बचा एक पीस, ये तो जा ही चुका है, बीच में क्या लग गया माइनस, दिख रहा है आप लोग को ई टू दी पावर एक्स चला गया एक्स स्क्वायर चला गया, तो यहाँ आपको थ्री दिखा डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर सिक्स। अब यहाँ पे दो पीस एक्स है और यहाँ पे छह पीस है, तो दो पीस कट गया तो कितना पीस बच गया चार पीस, तो फाइनल आंसर इज ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर फोर। बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों जिनको डाउट था, एक बार और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाय मान लीजिए है टेन एक्स, ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाय क्या है टेन एक्स, इसमें क्या होगा रिजल्ट बताइए, इसको निकाल के सब दिखाइए, फिर से एक बार चर्चा करेंगे नहीं तो। चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो नीचे लगा करेंगे स्क्वायर, तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर टेन एक्स को मान लेंगे कॉन्स्टेंट, तो चला गया बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका सर ई टू दी पावर एक्स का, बीच में क्या लग गया माइनस, अब की बार कॉन्स्टेंट किसको मान लिए ई टू दी पावर एक्स को, डिफ्रेंशिएशन किसका टेन एक्स का, ठीक है। तो टेन एक्स का हो गया टेन एक्स ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है ई टू दी पावर एक्स, बीच में क्या लग गया माइनस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी, ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी, कॉमन ले लीजिए, ए टू दी पावर एक्स कैसा लगा कॉमन आ गया, तो टेन एक्स माइनस क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या बात क्लियर है सभी को, अब समझ में आ गया। तो ये यार हमारा पहला फेज डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, जहाँ पे हमने क्लास इलेवंथ का पार्ट पढ़ा फिजिक्स के अंदर के बेसिक मैथ का पार्ट, जहाँ पे हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिर हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा, दोनों समझ लिया, फिर हमने उसको कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े, और फिर हमने पढ़ा अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयोजी फलन का डिफरेंस अवकलन, यानी कि चेन रूल। बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो उस पार्ट को हम लोग अगले क्लास में करने वाले, लाइव क्लास में कब करते हैं देखते हैं कैसा रहता है, कहानी कब शेड्यूल बन पाता है, बहुत जल्द हम आपके साथ मिलेंगे जहाँ पे हम चेन रूल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें कि जो पूरा लेक्चर हमने करा है इसको अच्छे से पढ़िए, रिविजन करिए, अगर किन्हीं बच्चों का छूट गया बीच में से तो पूरा का पूरा लेक्चर देख के रखिएगा। जल्द मिलते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। तो कैसा लगा ये चीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो कर लीजिए, ताकि हम लोग जो नया कंटेंट आपके लिए लगातार ला रहे हैं वो आपको मिल सके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको भी डाउट है। तो जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।